अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का सवाल है कि क्या दीन का लफ्ज़ सिर्फ इस्लाम के लिए मुख्तस किया गया है? इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं होता? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि इस तरह की मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये बात तो कुरान मजीद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद में ये तकसीम कहीं भी नहीं की गई। दीन मज़हब ये एक ही बानी के अल्फाज हैं। अरबों के यहाँ इसके लिए लफ्ज़ दीन बोला जाता था। चुनाचे जो दीन मुशरिकीन ने इख्तियार किया हुआ था उसको भी कुरान ने दीन ही कहा, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जो दीन मिस्र में बादशाह ने इख्तियार कर रखा हुआ था सैयदना यूसुफ़ के ज़माने में, उसको भी दीन कहा, माँ कानल यूसुफ़ा या खुजा खाओ फी दीन मलिक। तो कुरान मजीद में ये लफ्ज़ जो है मसलक के लिए, मज़हब के लिए, तरीक़ेकार के लिए जो इंसान ज़िंदगी में इख्तियार करता है किसी निज़ाम के लिए, जिस्मानी में आप इज़्म बोलते हैं तो ये दीनी का लफ्ज़ बोला जाए।